अस्सलाम वालेकुम, शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज में आप सबको खुश आमदीद। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने एक और बयान जारी किया है, जहां पर उन्होंने सरकारी टीवी के भेजे जाने वाले हर जाने का नोटिस उस पर सख्त रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा है, मेरे साथ जो नुमान नियाज ने किया है उस पर पूरी आवाम को बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा है। शुएब अख्तर कहते हैं, मुझे हर जाने का नोटिस भेजने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का हाथ है। कहते हैं उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया है, मैं सख्त जवाब दूंगा। शुएब अख्तर ने कहा कि वजीर आजम समेत पूरी काबीना मेरे साथ खड़ी है। कहते हैं नुमान नियाज ने मेरे साथ जो किया उस पर पूरी आवाम को बहुत ज्यादा गुस्सा है। मेरे तमाम वकला इस मामले को देख रहे हैं। 20 अक्टूबर को बकायदा तौर पर यह वाकया पेश आया था, जहां पर सरकारी टीवी के मेजबान नुमान नियाज ने शुएब प्रोग्राम से निकल जाने का कह दिया था, जहां पर कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बैठे हुए थे। शुएब अख्तर ने मामले को दौरान प्रोग्राम ही रफा दफा करने की कोशिश भी की, मगर जब बात न बनी तो उन्होंने सरकारी टीवी से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया था। इसी तरह उन्होंने सरकारी टीवी से किया गया मुआहिदा भी खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद शुएब अख्तर ने बकायदा तौर पर नुमान नियाज को मुआफ भी कर दिया था और नुमान नियाज ने भी शुएब अख्तर से मुआफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी टीवी की जानिब से शुएब अख्तर को हट जाने का नोटिस भेजा गया, जिसके तहत कई करोड़ रुपए उन्हें अदा करने हैं। वो इसलिए कि उन्होंने सरकारी टीवी के साथ मुआहिदा किया हुआ था कि वो किसी और प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अख्तर पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। इत्तला तो नशरियात ने इस वाक्य का नोटिस भी लिया था, लेकिन मामला अभी तक ठंडा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम नाजरीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियो यूँ ही आपको मिलती रहे, यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।